कि करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए, मरो तो ऐसी मौत मरो कि दुनिया रोने पे मजबूर हो जाए। देश पर कोई संकट आया है तो यहाँ का जवान उस देश पर, उस सरहद पे अपने खून का एक एक कतरा बहाकर देश की सरहदों की रक्षा किया है। और तमाम जैसे वीर हैं जिनकी वीर गाथाएं आप लोग इतिहास के पन्नों में देखते होंगे, पढ़ते हो। किसी नेता अभिनेता को अपना आइडियल नहीं मानते, यहाँ के लड़के, यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा, इन्हीं जो वीर अब्दुल हमीद जैसे जो देश सेवा पर अपने प्राणों की आहुति दे दी, इन लोगों को आइडियल मानते। दोस्तों, इस समय मैं गाजीपुर, वीरों की धरती कही जाती है, वहीं पर उपस्थित हूं। मौधा एक जगह है, वहां पर उपस्थित हूं, जहां का एक जवान है सतीश सिंह, वो शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पर पहुंचने ही वाला है। और यहां पर आप देख रहे होंगे पीछे जन सैलाब उमड़ पड़ा है लोगों का, हाथों में तिरंगा है, युवाओं के जो आंखें जैसे जितना नम है उतना दिल में एक गर्व भी है कि हमारे ही बीच का कोई जवान इस देश के काम आया है। और उनका जब पार्थिव शरीर आएगा तो और भी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी शहादत में उपस्थित होंगे, क्योंकि ऐसा होता आ रहा है, जब भी कोई इस गाजीपुर की धरती का कोई जवान शहीद होता है तो लाखों हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं उनकी अंतिम यात्रा में, ताकि उनको एक झलक देख पाएँ, उनको उनके सम्मान में खड़े हो पाए। तो यहाँ पर हमारे साथ काफी युवा हैं जिनके अंदर एक जोश है कि हम भी जाएं और देश की सेवा करें। भैया आपका क्या नाम है? हाथों में तिरंगा लिए आप खड़े हैं। मोहम्मद शहादत अंसारी। देखिए, मोहम्मद शहादत अंसारी इनका नाम है और हाथों में तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं। और मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। भैया क्या सपने हैं आपके? मैं सपना देश का सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। मैं जो शहीद हुए मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। वो मेरे गर्व की बात है कि मेरे देश के लिए वो शहीद हुए। और जो आगे युवा अथवा होने वाले हैं आर्मी में, उनसे मैं यही विनती करूँगा कि बढ़कर, जितना बढ़कर इसमें भाग लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, देखिए ये भी हुआ है और ये तैयारी करते थे, नहीं हुए किसी भी कारणवश नहीं हुए, लेकिन इनके दिल में वो गर्व है कि हमारे बीच का एक जवान है और जवानों के प्रति इनको सम्मान इतना है कि जब भी कोई शहीद होता है तो उनके पास पहुँचते हैं, उनके सम्मान में खड़े होते हैं। हमारे साथ एक वायरल बॉय है जो सद्दाम भाई, जो आर्मी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, काफ़ी वीडियो इनकी वायरल होती हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, इनका एक सपना है आर्मी में जाने का, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। भैया यहाँ पर आए हैं शहादत में शहीद के, यहाँ पर कैसा आपको महसूस हो रहा है अभी आके? यहाँ पे आने के बाद हमको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश का जो कि एक नौजवान, एक हीरा बोला जाता है, आज देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। तो ये गाजीपुर बलिदानी धरती है और इसमें आने के बाद कैसा क्या लगेगा, आने के बाद तो जिसको जैसा लगे, लेकिन ये शहादत की चीज़ है, इसमें आने के बाद तो सबका मन उदास हो ही जाता है, क्योंकि अनमोल हीरा, जो अनमोल रतन बोला जाता है, आज हमारे देश के नौजवान अगर कोई एक भी इंस्पायर होते हैं तो समझिए कि हमारे देश का नौजवान, बहुत दुख की बात होती है, तो गर्व की बात है। और हम यही कहेंगे कि हमेशा कहते आते हैं कि देखिए मरना तो सबको है, एक न एक दिन मौत सबको आनी है, तो हम हमेशा बोलते हैं, ये कई शायरी है कि करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए, मरो तो ऐसी मौत मरो कि दुनिया रोने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि देखिए ये हम मौत ऐसी मौत है कि आपको, आप रहें या ना रहें, ये हमेशा के लिए याद रहेगी, यादगार रहेगी। मरना तो सबको है, लेकिन ये मौत हमेशा जो युवा जो जुनून से लगे हुए हैं, और हम ही क्या, हमारा सपना इसलिए है कि हमारे माता पिता बोलते हैं कि बेटा काम ऐसा करिया कि जौने में नाम होकर, तो हमार सोच रहा है कि ना ही फौज सपना रहा, शुरू से ही मेहनत करत रह जा, लेकिन अभी बीच में लफड़ा चला था 4 साल के लेके TOD का, तो सरकार का फैसला जो निर्णय ले, और देशभक्ति करना है तो चाहे 4 साल का हो चाहे 8 साल का हो करना ही है, तो करेंगे हम लोग, मेहनत करेंगे, देश सेवा करेंगे, देश सेवा अलग होती है और भी चीज़ अलग होती है। तो बहुत दुख की बात है कि आज हमारे भैया जो कि सतीश सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जो कि डब्लू यहाँ का नाम था, शहीद हो गए, तो उनके आज शहादत में हम लोग जनसैलाब उबड़ा है और हम भी आए हैं, तो हमें ही दिल से दुआ करेंगे कि भैया का आत्मा जहाँ भी रहे शांति उनको नमन है और उनको स्वर्ग नसीब हो और उनका परिवार बढ़िया से रहे, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। देखिए इनके अंदर जो
जज्बा है कि हमें आर्मी में जाना है, वो 4 साल हो या 8 साल हो या 20 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाना है तो सिर्फ आर्मी में जाना है और देश की सेवा करना है। और ये गाजीपुर की बलिदानी धरती वो धरती है जहाँ से जब भी देश पर कोई संकट आया है तो यहाँ का जवान उस देश पर, उस सरहद पे अपने खून का एक एक कतरा बहाकर देश की सरहदों की रक्षा किया है। और तमाम जैसे वीर हैं जिनकी वीर गाथाएं आप लोग इतिहास के पन्नों में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, और तमाम ऐसे जब गाँव के पास से आप गुजरते होंगे, गाजीपुर के किसी भी गाँव के पास से गुजरेंगे तो आपको उसका, उसके जो शहीद का मूर्ति जो स्थापित होती है उसको देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि इस गांव का कोई एक शहीद हुआ है। जैसे कि यही के बगल के हैं वीर अब्दुल हमीद, जिनका नाम पूरे विश्व में फेमस है और गाजीपुर उन्हीं के नाम से फेमस है कि अगर गाजीपुर का किसी भी जगह पे अगर नाम ले लिया जाता है तो लोग सबसे पहले वीर अब्दुल हमीद का नाम लेते हैं कि उसी धरती से हो जहां से वीर अब्दुल हमीद जैसा वीर पैदा हुआ और देश की सरहदों की सेवा करते हुए वो शहीद हो गए, है ना भैया? जी जी, वही ने पवित्र धरती है और जिला गाजीपुर, और यहीं से हम क्या, हमारा तो शायद पैदाइश भी नहीं हुआ था जब वो शहीद हुए श्री वीर अब्दुल हमीद जी, तो वो 7 टैंक तोड़े थे, तो कुछ युवा उन्हीं को, जैसे नहीं होता कि आप IAS बन गए तो हम PCS बन जाएंगे, मतलब उन्हीं के राह पे निकल चलते हैं, देखकर आदमी लोग मतलब तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग का जोश जुनून वही था कि हमारे सर ने हमारे देश को आज़ाद कराया और लड़ने के बाद, इतनी लड़ाई लेने के बाद, इतने नुकसान करने के बाद वो शहीद हुए, तो हमारे अंदर भी जोश जुनून था, फख्र की बात थी कि हम भी सोच रहे थे कि हो जाते, लड़ाई लगती तो हम भी उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, तोड़ेंगे तो नहीं लेकिन तोड़ सकते थे अगर लड़ाई भर्ती होते रहते तो। अब वो उम्मीद टूटता जा रहा है, लेकिन अब देखिए सरकार है क्या निर्णय लेती है, निर्णय तो मानना ही पड़ेगा। और रह गई बात कि ये शहादत का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, तो बस इतना ही कहेंगे और हम लोग ये कहेंगे कि जहाँ भी रहे भैया अमर रहें, अमर रहें, अमर रहे। और जैसे कि आप जो वीर अब्दुल हमीद हैं उनके जो भी कोई भी आता है पहले तो वहाँ पे जाता है, और जो युवा, जो आइडियल, जो गाजीपुर की धरती है ना, वहाँ के युवाओं के आइडियल होते हैं ये आर्मी के जवान और देश की सरहदों पर जो लोग सेवा करते हैं वो इनके आइडियल होते हैं। यहाँ के लोग किसी नेता अभिनेता को अपना आइडियल नहीं मानते, यहाँ के लड़के, यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा इन्हीं जो वीर अब्दुल हमीद जैसे जो देश सेवा पर अपने प्राणों की आहुति दे दी इन लोगों को आइडियल मानते हैं और यही अपना लेकर यहाँ पर दौड़ लगाते हैं और मेहनत करते हैं कि हम जाएं तो सिर्फ आर्मी में जाएं, किसी भी सेना में जाएं और देश के सरहदों की रक्षा करें। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और उनका जैसे ही पार्थिव शरीर आएगा सारा कुछ आपको हम दिखाते रहेंगे, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।